इस वक्त मंकी पॉक्स नाम की बीमारी से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मंकी पॉक्स को लेकर भारत अलर्ट मोड पर है और इस बीच प्रदेश सरकार ने भी अस्पतालों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दुनिया पर नई महामारी का साया, WHO ने लगाई ग्लोबल इमरजेंसी। मंकी पॉक्स को लेकर भारत अलर्ट, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। मंकी पॉक्स बीमारी का दुनिया के कुछ देशों में खतरा मंडराने लगा है। ये बीमारी 17 अफ्रीकी देशों और बाहर के कई देशों में फैल चुकी है। क्या इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है? इसको लेकर भारत सरकार अलर्ट मोड पर है। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स ने संदिग्ध मंकी पॉक्स के मामलों को लेकर SOP जारी की है, जिसके मुताबिक बुखार, दांत या संक्रमित मंकी पॉक्स मामलों के संपर्क में आने पर मरीजों को तुरंत चिन्हित किया जाए। साथ ही इस बीमारी के मुख्य लक्षण भी बताए गए। बीमारी एक तरह की वायरल बीमारी होती है और ये मोस्टली किसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के क्लोज संपर्क में आने से होती है। उससे स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट हो, ओपन वुंड हो या सलेवा का एक्सचेंज हो, उससे होती है। और एक तरह की वायरल बीमारी है। इसमें लोगों को मुख्यतः बॉडी में पेन होगा, फीवर होगा, बॉडी में पेनफुल रैशेस होते हैं, ज्वाइंट पेन होते हैं, बहुत कमजोरी आती है। अमूमन ये बीमारी संपर्क आने के हफ्ते से 10 दिन में फैलती है और 2 से 4 हफ्ते में ठीक हो जाती है। ज्यादातर लोगों में फैटल नहीं होती, पर किसी में अगर इम्यूनिटी की कमी है या किसी में बहुत सीरियस बीमारी हो जाए तो ऐसे में व्यक्ति की जान का खतरा भी होता है। दुनिया भर में मंकी पॉक्स का खतरा तेजी से बढ़ने लगा है। कई देशों में बहुत ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में भारत भी पूरी तरीके से अलर्ट पे, हालांकि यहाँ पर अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन बीते दिनों PM की तरफ से एक समीक्षा बैठक की गई थी जिसमें मंकी पॉक्स को लेकर जो है वो पूरी तरीके से तैयारियों पे समीक्षा की गई थी, क्योंकि बीते दिनों WHO ने इसे हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। और डॉक्टर्स का साफ कहना है कि अगर इसको कैसे ट्रीट करना है, इसका बचाव कैसे करना है, अगर इस पर काम कर लिया जाए तो इसे महामारी होने से रोका जा सकता है। अफ्रीकी देशों से शुरू हुआ मंकी पॉक्स का संक्रमण तेजी से फैलने लगा है। मंकी पॉक्स जानवरों से इंसानों में फैलने वाला एक वायरस है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी मंकी पॉक्स को लेकर तैयारी तेज हो गई है। एक्चुअली अफ्रीकन रीजन में हुआ है, जहां पर कि मंकीज के साथ ह्यूमन कॉन्टैक्ट काफी स्ट्रॉन्ग है। इसके जो मेन सिम्टम्स होते हैं कि फीवर होता है, रैश होता है, मसल पेन होता है और इसमें स्कैब्स आते हैं जो कि पहले फ्लैट होते हैं, बाद में फ्लूइड से भर जाता है पर पस्टूल का फॉर्म लेता है। मंकी पॉक्स इस वक्त अफ्रीका में एक आउटब्रेक हुआ है। मंकी पॉक्स को लेकर राजस्थान सरकार ने भी अस्पतालों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि प्रदेश में अब तक एक भी मरीज चिन्हित नहीं हुआ है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से सरकार से निर्देश मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षा बरतनी शुरू कर दी है। ट्रीटमेंट के लिए इसके जो सिम्टोमेटिक है वही ट्रीटमेंट रहता है इसका। जो जो सिम्टम्स उसके अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं। कोई विशेष प्रकार की एंटीवायरल ड्रग इसके लिए यूज में नहीं ली जाती है और यूजली 5 से 7 दिन बाद इसके जो रिकवरी होने की संभावना रहती है। परंतु कुछ केसेस में जिनमें लंग का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है उनमें कॉम्प्लिकेटेड होकर मल्टी ऑर्गन फेलियर की ओर जाने की संभावना रहती है। तो मोर्टिलिटी के केसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, परंतु हाँ इसकी जो एक दूसरे फैलने की जो संभावना रहती है या फिर ट्रांसमिशन की संभावना वो ज़्यादा रहती है, इसीलिए इसको थोड़ा सावधानीपूर्वक लेना चाहिए। अफ्रीका में कोहराम मचाने वाला ये वायरस हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान पहुंच चुका है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर चुकी है। ऐसे में अब भारत में इसको लेकर चिंता बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान।